11 जनवरी को हुई मूक बधिर बच्ची के साथ जो घटना, उस घटना में नए नए मोड़ आ रहे थे, उन मोड़ों को देखते हुए जैसे आमजन में रोष था, लोगों ने रोष प्रकट किया और उस रोष का आगे धरना का कार्यक्रम चलता आ रहा है। इस बारे में हमने कई लोगों से बात करी और पता लगा कि सीबीआई की जांच हमारे यहाँ से राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार को भेज दी। उसके लिए हमने यहाँ के सांसद से बात करी, उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्दी सीबीआई से जाँच कराने की बातचीत उन्होंने हमें बताई और उन्होंने कुछ वार्ता भी की है। इस संघर्ष को आगे कैसे चलाया जाए इस बारे में आज सब लोगों की राय भी, सब लोग ये चाहते हैं कि संघर्ष का रूप कुछ भी हो लेकिन संघर्ष रेगुलर चलना चाहिए। उसके लिए भी हमने तय किया है कि अभी कोर कमेटी की जो बैठक होगी उसमें आगामी रणनीति हमें इस संघर्ष को जारी रखेंगे और जब तक रहेंगे जब तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिले उसका हमारा रूप कुछ भी हो सकता है। सर्व समाज न्याय संघर्ष समिति अभी अपने आप में कार्य करती रहेगी और जिले में किसी तरह की अप्रिय घटना, इस तरह की कोई बात होती, किसी बच्चे के साथ गलत काम होती है तो वहां भी अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाकर रखेगी, ऐसा इस फैसले इस कमेटी ने निर्णय। अनशन जारी रहेगा क्या? अनशन के बारे में अभी अनशन के बारे में हमारी कोर कमेटी तय करेगी कि आगे हमारा किस तरह से हमारा विरोध प्रदर्शन करने का तरीका रहेगा। आज संघर्ष, आज हमारा धरना है, 4 बजे की बैठक करके फिर आगे की रणनीति।